पर अब बात करेंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की, जो बाल विवाह को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बाल विवाह के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए 4074 लोगों पर FIR करके 2211 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4000 FIR, 2000 से ज्यादा गिरफ्तारियां। असम में बाल विवाह रोकने की कोशिशें लगातार की जा रही थी, लेकिन ये चोरी छिपे जारी था। कुल जो केसेस दर्ज हुए उसमें सबसे ज्यादा असम के धुबरी में 400 केस दर्ज हुए हैं, होजाई जिले में 255 और मोरीगांव में 224, कोकराझार में 204 केस दर्ज किए गए हैं। धुबरी में कुल मिलाकर 4000 केसेस हैं और 2000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई है बाल विवाह के खिलाफ। असम सरकार के आंकड़ों के मुताबिक असम के निचले इलाकों में 40% लड़कियों की शादी बचपन में ही कर दी जाती थी, इसलिए क्रैकडाउन हुआ है। साथ ही असम में होने वाली 31% शादी नियमों के मुताबिक नहीं थी, मतलब बिना बालिग हुए शादी। यही वजह है कि राज्य सरकार ने इसे लेकर सख्ती बरती। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले पर मुख्यमंत्री असम के हिमंता बिस्वा सरमा का क्या कहना है, सुनना चाहिए आज। अहा कल रातिपुवार नेक्स्ट 6-7 दिन हजार हजार मानु हजार हजार युवक अरेस्ट हब युवक हक मानु हक जो बाल्य विवाह কৰিছিলে আগত কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব এতিয়া কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব আৰু 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক যি বিয়া কৰাইছিলে বা বাচ্চা হৈছে তেওঁলোকক পস্কো এক্টত ধৰিব গতিকে সেইটো কাৰাদণ্ড যাবৰ দিব। चलिए, एक तरह बाल विवाह कानून के खिलाफ कार्रवाई रफ्तार पकड़ रही है, अब इसको भी धार्मिक चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है। मतलब जनसंख्या नियंत्रण कानून तो दर्द हो जाता है, अब बाल विवाह में भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश सियासत रफ्तार में है। ऑल इंडिया MIM के जो मुखिया हैं असद ओवैसी सवाल पूछ रहे हैं कि जिन बच्चियों की शादी हो चुकी है उनका भविष्य में क्या होगा। वो कह रहे हैं कि एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, बाल विवाह में जिन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है वो एक धर्म के लोग हैं, एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, असम सरकार वेंडेटा कर रही है, जानबूझकर ऐसा कर रही है। वहीं AIUDF के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल कहते हैं कि BJP चुनाव को देखते हुए सांप्रदायिक माहौल बना रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ब्यूरो इस पर क्या कर रहा है, सुन लेते हैं एक बार। उन्होंने क्या किया इस बारे में, तो ये इनकी नाकामी है। दूसरा ये है कि आपने कितने स्कूल खोले वो बताइए। तीसरा ये है कि जब आप इन पर एक्शन ले रहे हैं तो जिन लड़कियों का विवाह हो गया, निकाह हो गया या शादी हो गई जिस किसी धर्म के मुताबिक, उन लड़कियों का क्या होगा। सामने आ रहा है तो BJP शासित जितने राज्य हैं उन सब में कुछ ना कुछ नए ग्रुप लाए जाएंगे, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने की कोशिश की जाएगी। शादी ब्याह 18 साल से पहले लड़कियों का नहीं होना चाहिए, 22 साल से पहले लड़कों का नहीं होना चाहिए। हम भी इसके पक्ष में हैं, लेकिन तरीका ये नहीं है जो सरकार कर रही है, ये बिल्कुल मुस्लिम मुखालिफ है। किसी तरह इस वक्त आसाम में जो गवर्नमेंट की तरफ से गिरफ्तारियां हो रही हैं, अरसा पहले किसी की शादी हुई उस वक्त वो उसकी उम्र कम थी, आज उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये केस पहले से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है हरियाणा और पंजाब से। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न हो जाए उस वक्त तक आसाम गवर्नमेंट को इस सिलसिले में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए और उसको इससे बचना चाहिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन इसको धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है। असम में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से बाल विवाह करवाने वालों पर पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के तहत केस दर्ज किया जा रहा है। अगर शादी करने वाले लड़के की उम्र 14 साल से कम है तो उसे सीधे बाल सुधार गृह में भेजा जा रहा है और असम सरकार की कैबिनेट ने पिछले महीने राज्य में इस कुप्रथा के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया था। सौभाग्य के कारण न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।